हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दिस सिंपल एंड इजी आई मेकअप लुक। अगर आप देखना चाहते हैं हाउ टू गेट दिस लुक, सो कीप ऑन वॉचिंग। जो भी प्रोडक्ट यूज़ की हैं उनको मैं डिटेल से बता दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ मैं यूज़ करूँगी ग्लैमरस फेस का पैलेट, 48+48 पैलेट है, जिसमें के मिलेंगे 48 मखमली शेड, 48 मैट शेड। ये बहुत ही बेहतरीन आई पैलेट है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में इजीली हर जगह पे अवेलेबल है। मेक श्योर के आप ज़रूर इसे बाय करें। आईज़ को प्राइम कर रही हूँ मैं यहाँ कंसीलर के साथ। जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, लाजमी नहीं है कि आपके पास भी वही हो, जो आपके पास अवेलेबल हैं आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और लुक क्रिएट कर सकते हैं। कंसीलर के एप्लीकेटर से मैं अप्लाई कर लूँगी। डार्क सर्कल बहुत हुए हुए हैं मेरे, तो वो इससे अच्छी तरह हाइड हो जाते हैं। और आईज़ के लिए कोशिश किया करें कि फुल कवरेज कंसीलर यूज़ किया करें, चाहे जितने भी ब्राउन लिट हैं या डार्क सर्कल जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ हाइड हो जाए। और फ्लैट ब्रश की हेल्प से आईब्रो के एरिया को नीट करूँगी। बिल्कुल आर्च के साथ साथ यहाँ पे ड्रैग करूँगी मैं अच्छी तरह से इसे स्प्रेड करके। उसके बाद एक बफिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी मैं इसे अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत ही स्मूथ कैनवस चाहिए होता है मेकअप के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल क्रिएट कर रही हूँ, तो कम से कम जो है वो क्लिप एडिट करूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप सीखने को आपको मिल सके। बफिंग ब्रश जो मैंने यूज़ किया है वो बेली का बफिंग ब्रश, और इसके साथ अच्छे से मैंने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है। स्किन मेरी बहुत सेंसिटिव है, एक नई प्रोडक्ट ट्राई कर रही थी उससे रिएक्शन हो गया है। सो इग्नोर माय स्किन, मेकअप पे फोकस करें, मेकअप सीखें, आई मेकअप। और भी अगर कोई लुक क्रिएट आप करवाना चाहते हैं, मेरे से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और आई लिड्स पे क्रीजिंग ना हो उसके लिए अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे। मैंने जो यहाँ यूज़ किया है वो ग्लैमरस फेस का रीज़नेबल और हर जगह इजीली अवेलेबल है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ में मिल जाता है इजीली हर मेकअप स्टोर से। फ्लफी ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे रस्टी कलर, तो बिल्कुल डैबिंग मोशन में मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। जब भी क्रीज पे अप्लाई करना है ट्रांजिशन शेड, तो मेक श्योर के उसे लाइटली ब्लेंड किया करें, जब भी ज़रूरत पड़े और पिक कर लिया करें। आउटर साइड से मैंने स्टार्ट किया है और इनर वी की तरफ मैं जा रही हूँ। जब मैंने अच्छे से कलर डिपॉजिट कर दिया है, तो अब मैं इसे बैक एंड फोर्थ मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। आउटर वी से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि प्रोडक्ट जो ज़्यादा लगी हुई है ब्रश पे, वो वहाँ पे डिपॉजिट हो सके और इनर वी की जानब जो है वो कम से कम प्रोडक्ट हो, ताकि आईज़ बहुत ही खूबसूरत लगें। नेक्स्ट मैंने लिया है ब्लेंडिंग ब्रश और उस पर मैंने अप्लाई किया, उसकी हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ डार्क ब्राउन शेड। ये बिगनर्स के लिए मेकअप है, इसलिए मैं ब्लेंडिंग जितना भी टाइम लग रहा है मैं दिखा रही हूँ, ताकि बिगनर्स दो चार बार सिर्फ ब्रश को बैक एंड फोर्थ मूव करके ये ना समझे कि हमारी तो ब्लेंडिंग ही नहीं हो रही आई मेकअप की, तो ऐसा नहीं है। ब्लेंडिंग में टाइम लगता है और ब्लेंडिंग आपने इस तरह से करनी है कि आउटर एजेस से, जैसे मैं डिफ्यूज़ कर रही हूँ कलर को ट्रांजिशन शेड के साथ मर्ज कर रही हूँ, सेम एज करना है। कलर आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली भी चेंज कर सकते हैं।
अगेन मैंने थोड़ा सा आई मेकअप इन्हेंस करने के लिए प्रोडक्ट जो है वो पिक किया है एंड उसे ब्लेंड कर रही हूँ ट्रांजिशन शेड के साथ। नेक्स्ट फ्लैट फ्लफी ब्रश पे मैंने पिक किया है डार्क ब्राउन शेड और उसे मैंने आउटर एजेस पे अप्लाई कर लिया है। आउटर एजेस पे अप्लाई करते हुए मैं इसे इनर वी की जानब लेके जा रही हूँ एंड मैंने यहाँ थोड़ा सा इसको लिफ्ट किया है। लिफ्ट करके मैं आउटर कॉर्नर को आउटर साइड जो है उसे अच्छी सी फिनिश लुक दे रही हूँ ताकि फिनिशिंग में ये बहुत ही अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि छोड़ दिया है। उसकी लोअर लैश लाइन जो हमारी है उसके साथ इसे मिला रही हूँ ताकि आईज़ में एक बहुत ही अच्छा सा अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन जो है वो कनेक्ट हो सकें। और जिसके साथ मैंने आउटर वी पे ब्लेंड किया है डार्क ब्राउन शेड उसी ब्रश पे वही शेड लेकर मैंने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैंने पिक किया है यहाँ पेंसिल ब्रश और ब्रश की हेल्प से मैंने लिया है रस्टी शेड जो ट्रांजिशन शेड जैसे हमने अप्लाई किया था सेम वही शेड मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है। मेक श्योर के अप्लाई करते हुए आप ऊपर की जानब देखें ताकि जो है वो इजीली उस एरिया पे अप्लाई हो सके। आप एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और उस पर रस्टी शेड लेके सारे आई शेड्स जो हैं आउटर साइड्स जो हैं इनकी एजेस हैं उनको ब्लेंड कर देंगे ताकि बहुत ही एक मर्ज सी लुक हमें मिल सके। फिंगर की हेल्प से भी मेटालिक शेड अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ये जो एप्लीकेटर मैंने आपके दिखाया है इससे बहुत परफेक्टली मेटालिक शेड अप्लाई होते हैं। अभी मैं आपके सामने भी अप्लाई कर रही हूँ और आप देखिएगा कितना अच्छा पिगमेंट आएगा इनका। और मखमली शेड मैंने पिक किया है इसी एप्लीकेटर पे और सेंटर ऑफ लिड पर मैं अप्लाई कर रही हूँ इसे एंड आप शाइन चेक करें इसकी मेटालिक शेड्स की साई पैलेट की विदाउट वाटर ये अप्लाई होते हैं इवन कि ये ब्रश के साथ भी अप्लाई हो रहे हैं और इतनी प्यारी इतनी सॉफ्ट सी लुक क्रिएट हो रही है। मैं ऐसे कलर्स का इंतखाब कर रही हूँ कि अगर सेम एज बिगनर इसी मेकअप को पकड़ के ऐसे ही लुक क्रिएट करके कोई भी इवेंट अटेंड करना चाहें तो उनके लिए कोई मुश्किल ना हो, फौरन फौरन से सारा मेकअप उनका हो जाएगा। इतने इजी स्टेप्स में मैंने शेयर किया है आपके साथ। अब मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बॉबुन को हाईलाइट करने का टाइम और इसके लिए मैंने ग्लैमरस फेस के पैलेट में से ही गोल्डन शेड पिक किया था। आई डोंट नो वो क्लिप कहाँ गई जहाँ से मैंने प्रोडक्ट पिक करते हुए कुछ शूट किया था लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम कोई क्लिप मिस ना हो। एंड उसी को अभी हम अप्लाई कर रहे हैं इनर कॉर्नर की जानब। ज़रूर ज़रूर अपने इनर कॉर्नर और ब्रोबोन को हाईलाइट करना चाहिए, इससे आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं और खूबसूरती इन्हेंस हो जाती है आंखों की। एंड देन आपने इसे मिला देना है सेंटर ऑफ लिड तक जहाँ तक भी जो शेड है वहाँ तक और फ्लोर मार्क की आई पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ। अप्लाई कर ली है मैंने वाटर लाइन पे। नेक्स्ट जो है मैं लैशेस कर्ल कर रही हूँ। इस लुक में मैं लैशेस अप्लाई नहीं करूँगी फॉल्स लैशेस इसलिए मैंने कर्ल किया है। मेरी लैशेस बहुत छोटी हैं उसके बावजूद भी इस मेकअप में नज़र आ रही हैं विदाउट लैशेस ही मेरी ओरिजिनल लैशेस। और ये जो मस्कारा नीचे लग गया है नोज़ पे जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसे स्पूली की हेल्प से साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। एंड ये मेरी फ़ाइनल लुक है। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और विदाउट लैशेस मैंने लुक क्रिएट किया है ताकि बिगनर्स इजीली कैरी कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को एंजॉय करिएगा।